अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, ये डायोड के ऊपर हमारा तकरीबन आई थिंक छठा या सातवां लेक्चर है। तो आज हम टाइप्स ऑफ डायोड देखेंगे, ठीक है। इसके टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए जैसे इसके नाम से जाहिर है कि लाइट को एमिट करता है। जब लाइट को एमिट करता है तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर्स लगा के हम इसको डिफरेंट जगह पे एज एन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये लाइट एमिट कर रहा है तो उसका एरो हेड डायोड के ऊपर एरो हेड बना देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस रीजन में काम करती है, इसका इंफ्रारेड और विजिबल लाइट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दो पिने होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर पिन की ये देखें, ये कैथोड है जिसके ऊपर जिसका ये झंडा सा बना होता है वो कैथोड होता है। इस तरह जिसकी पिन लंबी होती है वो भी कैथोड है। इसके हमने टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन लादा से की हुई है ना, तो इसके टर्मिनल्स में से अगर देखें, देखिए दोनों में से जो लंबी होती है ना वो एनोड होती है, और जो छोटे वाली होती है वो कैथोड होती है, ठीक है। और जिस साइड पर झंडा लगा झंडा सा बना होता है थोड़ी हैवियर होती है वो भी कैथोड होती है। जैसे इस केस में देखिए ये वाली साइड थोड़ी हैवियर, ये कैथोड है। ये डायग्राम में नीचे से कटा हुआ था तो इसलिए दूसरी डायग्राम में आपको दिखाई। फोटोडायोड, फोटोडायोड देखते हैं। देख फोटोडायोड एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस रीजन में काम करता है। देखें इसके ऊपर जब फोटोसिंथेसिस जब लाइट पड़ती है ना तो फिर ये काम करता है, ठीक है। ये रिवर्स बायस रीजन में काम करता है, तो इसकी जो रिवर्स करंट है ना वो डायरेक्टली वेरी होती है जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है। इसको आसान अल्फाज में मैं आपको यूं समझाता हूं कि देखें फोटोडायोड जो है एज ए फोटोसेल के तौर पर, फोटोसेल में क्या होता है जब आप वायर लगाते हैं तो जैसे जैसे वो लाइट पड़ती है उसके ऊपर तेज लाइट पड़ती है तो एक वक्त आता है वो लाइट आगे से क्या करता है बंद करवा देता है। ऑटोमेटिकली जैसे सूरज निकलता है तो आपकी लाइट बंद हो जाती है। तो फोटोडायोड का भी तकरीबन यही पर्पज होता है कि जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाती है तो आगे फ्लो ऑफ करंट को बंद कर देता है। तो इसलिए जो उसमें निग्लिजिबल करंट जो गुजरती है उसको डार्क करंट कहते हैं। लेकिन यह है कि नॉर्मली इसका यही काम होता है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़े तो ये आगे फ्लो को कट कर दे, जैसे स्ट्रीट लाइट्स में होता है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में जो दिन के वक्त बंद हो जाती है और रात के वक्त चलना शुरू होती है। जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो इसमें से फ्लो ऑफ करंट ईजिली चलता रहता है, तो रात को यह ऑन हो जाता है और दिन में बंद हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलते हैं मार्केट में। लेजर डायोड, देखिए लेजर का मतलब होता है लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्पलीफिकेशन होती है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। तो इसमें सिंगल लेजर एक आपको एक सिंगल बीम में आपको एक ही वेवलेंथ में और एक ही कलर में लाइट देता है, ठीक है। इसकी बड़े दूर तक लाइट जाती है तो एक ही वेवलेंथ और एक कलर, सिंगल कलर एंड सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सीडी में इस्तेमाल होता है, लेजर प्रिंटर्स में, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। सिग्नल डायोड, देखिए सिग्नल डायोड में दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल सिग्नल डायोड होता है, स्मॉल सिग्नल डायोड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये रेड वाले साइड होता है इसकी पहचान करने के लिए ना, तो ये बने हुए जो होते हैं स्मॉल सिग्नल डायोड छोटे सिग्नल्स पे काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है ना इसके एज जो है ना, जैसे जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया ना ब्लैक एंड रेड, इस तरह से ये देखिए रेड वाला, ये ब्लैक एंड रेड वाले फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आप हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसकी जो रेटिंग है वो तकरीबन मतलब आप कह लें कि 1 मिलीवाट से भी कम होती है, 500 मिलीवाट लिखा होगा। हाई फ्रिक्वेंसीज और लो करंट के लिए ये अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो टेलीविजन, देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है जो टीवी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी काफी होती है, लाइक वाइज रेडियो की, रेडियो करंट कम ले रहा होता है। लार्ज सिग्नल डायोड, ये हाई सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। देखें इसमें आपको फॉरवर्ड करंट, ब्लॉकिंग और दोनों मिलते हैं। जो है ना लार्ज करंट वाला डायोड, इसकी फॉरवर्ड करंट कैपेसिटी जो है ना वो ज्यादा होती है। इसी तरह फॉरवर्ड करंट कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिवर्स ब्लॉक वोल्टेज की कैपेसिटी जिसको आप ब्रेक डाउन वोल्टेजेस कहते हैं वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से
ये जब ज्यादा होती है तो ये हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए सूटेबल नहीं होता। हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए हमने जो ऊपर पढ़ा था ना स्मॉल सिग्नल डायोड, वो सूटेबल होता है। तो ये मतलब आप किसकी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, हाई वोल्टेज और करंट परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जीनर डायोड, देखिए जीनर डायोड वो होता है जो रिवर्स रीजन में काम करता है। ठीक है, ये इसका सिंबल सामने बना हुआ आपको नजर आ रहा है। ये ऐसा जो फॉरवर्ड बायस में तो सिंपल एज ए डायोड की तरह काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस रीजन में भी ये अपने अंदर में से करंट को गुजरने देता है और जो उसके एक सर्टेन लेवल से ऊपर के वोल्टेजेस होते हैं ना उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कहते हैं। ऐसा ये देखें, देखें फॉरवर्ड बायस रीजन में एज इट इज काम करता क्या, तो रिवर्स बायस रीजन में ये देखें ये जीनर वाले वोल्टेजेस, ये यहां से रिवर्स बायस रीजन में एक स्पेसिफिक के बाद भी काम करता है, तो इसको रेगुलेटर सप्लाई में काफी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसको मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल तरीके से किया जाता है, खास तरह से डोपिंग की जाती है, इसकी प्रॉपर सेटिंग बनाई जाती है। रेक्टर डायोड, देखिए ये एज ए मिनी कैपेसिटर के तौर पे ही काम करता है, तो इसमें आपको डायोड एज ए समझ लें कि वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है जैसे जैसे 22 वोल्टेज बढ़ाते हैं वो कम होती जाती है। ठीक है, जब करंट कम होती जाती है तो एज ए करंट रेगुलेटर के तौर पे भी काम करता है। तो करंट रेगुलेट कैसे होती है, इसमें जब एक स्पेसिफिक वैल्यू से करंट बढ़ाते हैं तो वो एक फॉरवर्ड बायस रीजन में काम, तो आप ये समय आसान से समझ लीजिए कि ये एज ए कैपेसिटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। देखें जैसे आप डोपिंग जो होते हैं ना डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन भी एक तरह की कैपेसिटेंस होती है, तो इसके डिप्लेशन रीजन को इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि एक खास लेवल के ऊपर आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस दे। तो ये स्पेसिफिक काम करने के लिए हम पी और एन टाइप के बीच में एक अगर डायइलेक्ट्रिक लगा दें, मतलब आप आसान अल्फाज में समझ लें यहाँ पे इंसुलेटर लगा दें, यहाँ पे इंसुलेटर लगा दें तो यहाँ पे कैपेसिटेंस वेरी होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं रखेंगे तो फ्लो ऑफ करंट सीधा सीधा चलता जाएगा, अब यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक लगाएंगे, देखें तो जब डायइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो P और N दोनों इलादा इलादा से एक एक प्लेटें कैपेसिटर के तौर पे काम करेंगे। तो इस तरह से रेक्टर डायोड जो है ना ये एज ए वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसका ज्यादातर ये सिंबल इस्तेमाल होता है। शॉकले डायोड, देखिए शॉकले डायोड जो है इसको हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। ठीक है, इस सेमीकंडक्टर में नॉर्मली फास्ट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी हाई करंट, मतलब हाई करंट और हाई फ्रिक्वेंसीज पे अच्छी स्विचिंग का काम करता है। अच्छा, इसके इसमें ना शॉकलेट डायोड जो बनाया जाता है वो डोप किया जाता है आपके एन टाइप नॉर्मली को साथ में कोई मेटल हो गया गोल्ड सिल्वर या अपना टीनियम के तौर पर, ताकि इसको ना अच्छी स्विचिंग की जा सके। ठीक है, सेमी कंडक्टर के साथ स्पेसिफिकली जो एन टाइप रीजन होता है उसके साथ हम कोई एक कंडक्टर की मिक्सिंग कर देते हैं ताकि फास्ट स्विचिंग के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। इस तरह का सिंबल होता है इसका। पिन डायोड, पिन डायोड देखते हैं। देखिए पिन डायोड जो हैवीली डोप इन टाइप एन टाइप और पी टाइप दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सेपरेशन एक इंटर्नसिक, इंटर्नसिक होता है खालिस सेमी कंडक्टर से होती है, मतलब इसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों मेटेरियल इस्तेमाल होते हैं और दरमियान में जो है ना एक नॉन मिक्सिंग इंटरनसिक मेटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स बायस रीजन में एक एज ए कॉन्स्टेंट कैपेसिटर के तौर पर काम करता है क्योंकि बीच में आप इसका इंटरनसिक रीजन होता है, दरमियान में जो है ना वो लगा होता है एक, जैसे देखें रेक्टर डायोड में दरमियान में आप क्या लगाते थे, एक माइका लगाते थे या इंसुलेटर लगाते थे तो कैपेसिटर बन जाता था, इसमें इंटरनसिक मटेरियल लगाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस शो करता है। अब देखें रेक्टर डायोड के केस में वहां से करंट नहीं फ्लो करता था, ये रिवर्स बायस में तो कांस्टेंट कैपेसिटेंस आ गई, जो फॉरवर्ड बायस में इसको करेंगे तो इंटर्नसिक रीजन है तो वो सेमीकंडक्टर ही है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस के करंट कंट्रोल वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल होता है, मतलब आप करंट की मदद से इसकी रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें ये वाला जैसे जैसे इसकी रेजिस्टेंस करंट कंट्रोल करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। ठीक है, लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंटर्नसिक रीजन इंक्रीज,
इसमें मेन चीज यही है कि इसमें हैवीली डोपिंग के साथ इंटर्नजिक मटेरियल इस्तेमाल होता है। टनल डायोड, देखिए टनल डायोड के सिंबल इस तरह से होता है। टनल डायोड जो है ना, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट रखता है, तो इस वजह से स्पेशली ये ऑसिलेटर्स और माइक्रोवेव्स में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसको ना हैवीली डोप्ड किया जाता है, तो इसमें डोपिंग ज्यादा हैवी की जाती है एक कन्वेंशनल डायोड रेक्टिफायर की निस्बत। ठीक है, तो जब ज्यादा डोपिंग की जाती है तो इस वजह से हमें माइक्रोवेव एप्लीकेशन और ऑसिलेटर्स में इसको इस्तेमाल करने की आसानी मिल जाती है। शॉकले डायोड, देखिए ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने, है ना, PN दो तरह के डायोड को इकट्ठा जोड़ दिया। देखिए आप इसको SCR मत समझिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मत समझिए, क्योंकि इसमें बीच में गेट लगा होता है, SCR में बीच में गेट लगा होता है। तो शॉकले डायोड दो बैक टू बैक हमारे क्या होते हैं, PN और PN डायोड होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि SCR होता है विदाउट गेट टर्मिनल। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन रहता है, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ऑफ रहता है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर विद एक स्पेसिफिक वोल्टेज से नीचे ये कंडक्ट नहीं करता। तो ये जब हम इसको ऑन करेंगे तो जब तक इसको ऑन करेंगे स्टेज ऑन व्हेन इट्स टर्न ऑन, मतलब ये जब ऑन करेंगे तो ये ऑन ही रहेगा, मतलब इट विल नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो उसी पोजीशन में रहे, क्योंकि इसमें गेट नहीं है, कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है ना। तो शॉकले डायोड एक SCR विदाउट गेट समझ लीजिए। पावर डायोड मतलब आप एक सिंपल डायोड को अच्छी पावर हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे डायोड के सारे टाइप्स हो गई जो आज हमने देखी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होते हैं। आपने करंट ड्रॉज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी कर दीजिएगा।